1 किलो हमने गेहूं का आटा लिया है। ये 1 किलो आटे में हम 250 ग्राम सूजी मिला लेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च, चम्मच हल्दी डाल लेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन डाल लेंगे, अनुसार नमक डाल लेंगे, थोड़ी सी हींग डाल लेंगे, कसूरी मेथी डाल लेंगे, 1 चम्मच तेल डाल लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अभी सारी चीज अच्छे से मिल गई है, तो हम इसको हल्के गुनगुने गर्म पानी से गूंद देंगे। ये हमारा आटा अच्छे से गूंदता है, ये रेस्ट के लिए रख देंगे। उसके बाद आटा बनाने के लिए घी ले लेंगे। मैंने आटा 1 किलो लिया है, 250 ग्राम सूजी है, उस हिसाब से बना रही हूँ। इसमें मैदा डाल लेंगे 5 चम्मच, इसको अच्छे से मिलाना है। आटा तैयार हो गया है, अच्छे से मिला। मैदा से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो आटा रोट से भी बना सकते हैं। पतला रोटी के जितना बेल लेंगे आप हम इसे। इसको फिर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चलो छोटी छोटी कटिंग करके फ्राई करने के लिए। इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ब्राउन होगी हमारी एकदम करारी कुरकुरी बन जाएगी ये। उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे, 5 मिनट लगेंगे। ये हमारी कुरकुरी तैयार हो गई है, 5 मिनट में तैयार हो जाती हैं ये जल्दी से। ये हमारे मट्ठी नमक पारे तैयार हैं, एकदम कुरकुरे मज़ेदार। आप खाइए, मेहमानों को खिलाइए, होली पे एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, आप लाइक भी करा कीजिए, हमें सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे।